हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रवीण ब्लॉग्स। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताता हूं, कल मैंने एक वीडियो बनाया था सुशांत सिंह राजपूत जी के बारे में और उनसे रिलेटेड कुछ तथ्यों के बारे में जो अभी सामने आया है उनके बारे में, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उनके फैन को धमका भी रहे हैं वीडियो बना के, वो मैं उसको धमकाना ही कहूँगा, तो उनके बारे में भी मैं वीडियो बनाया था। तो वीडियो यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है और वीडियो का थंबनेल आप देख सकते हैं, ये है इसका थंबनेल, यही मैं थंबनेल दिया था, लेकिन ये वीडियो डिलीट हो चुका है। तो फिर मैं आज वापस से फिर उसी के बारे में लेकिन कुछ अलग करके, शायद कहीं ये भी वीडियो डिलीट ना हो जाए इसलिए कुछ अलग करके मैं वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। और मैं आपको सबसे पहले वो दिखाता हूँ जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को किस तरीके से मतलब वीडियो बना के डराया जा रहा है या धमकाया जा रहा है, मैं उसके बारे में थोड़ा, आप ये पहले वीडियो देख लीजिए उसके बाद। आप सबको सत श्री अकाल, आज सुबह मैं उठा हूँ, वैसे तो मैं कल रात की पोस्ट देख रहा हूँ जो सलमान खान के रिलेटेड आप लोग पोस्ट कर रहे हो कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जिम्मेवार सलमान खान है, उसके डिप्रेशन का कारण सलमान खान है, ये सब जो तुम पोस्ट कर रहे हो। वैसे तो पहली बात, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का पूरे हिंदुस्तान को क्या पूरी दुनिया को अफसोस है, बहुत जल्दी चला गया, इतना टैलेंटेड मोस्ट टैलेंटेड एक्टर हमारे बीच में नहीं रहा। लेकिन उस चीज के लिए तुम अगर सलमान खान, हर चीज में तुम सलमान खान को बीच में दोष करोगे तो यार हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। तुम्हें भाईजान की फैन का पावर पता नहीं है, तुम टच भी नहीं कर सकते उस, हमारे जो भाई है उनको तुम टच भी नहीं कर सकते, ठीक है, लगा लो एडी से लेके सर तक का जोर। हम भी भाई के फैन अभी जिंदा बैठे हैं। वो एक ऐसा बंदा है जो हर वीकली टू वीकली सुबह अपने घर के बाहर डॉक्टर्स की टीम बिठाता है कि मेरे दरबार में अगर कोई, मेरे घर पे कोई अगर आए तो खाली हाथ कभी यहां से ना जाए, फाइल्स लेके आते हैं। उन गरीबों से पूछो, उन मददगार लोगों से पूछो जो फाइल्स लेके सलमान के घर के बाहर खड़े होते हैं भाईजान के, और तुम उस भाईजान की मूवी को बायकॉट करोगे। अबे बॉयकॉट क्या करोगे तुम, भाईजान की मूवी को पोस्टर को हाथ तक लगा के दिखा दो। हम भी यही बैठे हैं, हम भी सलमान खान के फैन हैं, कोई ऐसे नहीं है, एक गलत हमारे भाई, उसको भाईजान बोलते हैं, भाईजान, ये जो भाईजान वर्ड मिला ना ये कमाना पड़ता है, ठीक है। उस इंसान ने अपने फ्रेंड सर्कल में जो जो डिप्रेशन में था सबकी गलत उस वक्त पे साथ दिया है जब आप सोच नहीं सकते, और वो बंदा किसी की डेथ के लिए तुम ब्लेमिंग करोगे, ये करोगे। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो देख लिया होगा पाजी का, और पाजी किस तरह से बोल रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, जो अभी इस टाइम में इस तरीके का बयान देना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आप किसी के फ़ैन हैं, बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की बात है, आप फैन रहिए, और जितने भी कलाकार हैं बॉलीवुड में सभी कलाकार के बहुत सारे फ़ैन हैं और ये अच्छी बात है, बिना फैन फॉलोइंग के वो कलाकार बन भी नहीं सकते हैं। पाजी मैं आपसे यही बस कहना चाहूँगा, उन लाखों करोड़ों सुशांत सिंह के फैन की तरफ से जो आपका ये जो भाषा है, हम बिहार वासियों को और जितने भी बिहार यूपी झारखंड के हैं और छोटे छोटे शहरों से हैं उनको आपका ये भाषा बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि आप इस तरीके से किसी को नहीं बोल सकते जो ये करोगे तो मैं ये कर दूंगा। आक्रोश पब्लिक का होता है, नेता रहे या बॉलीवुड इंडस्ट्री का कोई भी रहे, किसी के प्रति उसका आक्रोश हो सकता है और ये कोई खुलेआम चैलेंज नहीं कर सकता है पब्लिक में सही आके, तुम ये करके देख लो तो मैं ये कर दूंगा। हाँ, आप बखूबी नहीं कर सकते हैं उस चीज़ को, आप खुद नहीं कर सकते हैं या आपके दोस्त जो हैं उनको आप मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके आप अपील कर सकते हैं लोगों से, लेकिन आप लोगों से ये अपील कर सकते हैं जो भाई इनका अच्छा योगदान भी है लोगों के बीच में, और सही बात है उनका अच्छा योगदान भी है, सलमान खान का अच्छा योगदान भी है, मैं अब खुल के ही बोल रहा हूँ, और आपने सीधा खुला चैलेंज दिया है जो ये करोगे वाइकाट करके तो देख लो, पोस्टर उतार के तो देख लो। तो भाई मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपकी तरह नहीं बोलूँगा, आपका चैलेंज है तो ठीक है, चैलेंज ही है, आप बिहार आके देख लो, पटना आके देख लो, झारखंड जाके देख लो, यूपी में जाके देख लो, सब जगह उतर रहे हैं, आप कितनों को मना करोगे, आप बिल्कुल नहीं मना कर सकते हो पाजी। और रही बात बायकॉट की, तो ये जितने भी स्टार हैं खुद स्टार नहीं बन जाते हैं, उनकी फिल्मों को देखने के लिए पब्लिक हॉल में जाता है, अपना पैसा अपने जेब से खर्चा करता है तब जाके वो स्टार बनते हैं, और पब्लिक पे किसी का बस नहीं है।
आपके कहने से या ना करने से ना कहने से किसी का मन नहीं बदल जाएगा। अगर उनको मन होगा बॉयकॉट करने का तो वो करेंगे, और इस बात से कोई भी इस बात में कोई भ्रम में ना रहे, जो फिल्म में नेपोटिज्म नहीं होता है, नेपोटिज्म का शिकार बहुत सारे कलाकार हो चुके हैं, ठीक है। और बहुत ऐसे कलाकार हैं जो भी बैठे हुए हैं अच्छा अच्छा एक्टिंग करने के बावजूद भी उनको काम नहीं मिल रहा है, तो भाई भतीजावाद तो है ही, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। तो पाजी आगे से अगर आप कोई वीडियो बनाएं तो आपसे हाथ जोड़कर मेरा विनम्र निवेदन है कि इस तरीके से आप, हाँ पब्लिक से आप अपील कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप किसी को चैलेंज मत कीजिए, वो भी इस समय में जिस समय में दुखों का पहाड़ सुशांत सिंह के फैन पे पड़ा हुआ है, उनके चहितों पर पड़ा हुआ है, ठीक है पाजी। तो आइन से ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों जैसा आपने देख ही लिया, तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, वो जो मैं पोस्टर फाड़ने की बात में बोल रहा था, पोस्टर उतारने की बात बोल रहा था, लोगों का आक्रोश है जिसके बारे में मैं बोल रहा था, तो वो वीडियो मैं इसमें नहीं डालूंगा, इसलिए हो सकता है मेरा वीडियो फिर डिलीट कर दिया जाए, यूट्यूब के द्वारा वार्निंग आ चुका है। तो आप जो है सो उस वीडियो को मेरे चैनल पर जा सकते हैं, प्रवीण ब्लॉग्स पर जाके देख सकते हैं उसको, उस पर वो वीडियो मैं डाला हूँ, वो कुछ सेकंड का वीडियो है, 30-40 सेकंड का वीडियो होगा, उसको आप देख सकते हैं जाके उस पर। और दोस्तों मैं सुशांत सिंह राजपूत जी के लिए थोड़ा सा गुनगुनाना चाहूँगा, तो थोड़ा सा मैं गुनगुना देता हूँ उनके लिए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए, चिट्ठी न कोई संदेश, न जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। दोस्तों ये जो आवाज़ था मेरे दिल से निकला हुआ था, और ये तो ऐसे समय में आवाज़ निकलता भी नहीं है सही ढंग से, लोग कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, इमोशनल इंसान हो जाता है, भावना से जुड़ा हुआ इंसान। वैसे भी बिहार के लोग जो होते हैं वो भावनात्मक ज़्यादा होते हैं, भावना से जुड़े हुए ज़्यादा होते हैं, किसी भी बातों पे उनका दर्द छलक जाता है, आँखों से आंसू आ जाता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देख ही लिया, मैं अगली वीडियो भी बहुत जल्द लेके आऊँगा आपके लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। दोस्तों वीडियो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जो मेरी बात हो आप सभी लोगों तक मेरी बात पहुँचे, और शेयर करें, और लाइक करने से ये होगा दोस्तों जो मेरे को प्रोत्साहित होगा, मुझे जो है सो और भी वीडियो बनाने की जिज्ञासा होगी। तो इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।